मैकुल मेरे नाल बिल्कुल चंगा नहीं किया। मैं इसे चंगा भला आदमी समझना आया, चंगा भला मेरा संगी होना सी यार, पर थोड़ा जहा पैसा कि आ गया ये बदल ही गया यार। इतने अरसे बाद असी मिलने पे हाँ, इससे मैं चंगी तरह सलाम भी नहीं किया। बड़ा एटीट्यूड आ गया इस। एक ही तो यार मेरे को गड्डी रह गई सी, वो भी सुजुकी ले आना, उसका भी बुरा हशर होया सी। मेरे को थोड़े पैसे सन, मैं गड्डी ठीक कराने आया सा। गलैक्सी शोरूम का मैं बड़ा नाम सुनया सी, मैं चलो यार इधर नेड़े पैना तो मैं इतने करा ले सा। दरअसल पता है कि मैं लॉस सैंटोस क्यों आया? लॉस सैंटोस मैं इस मारे आया क्योंकि इतने मेरी संगी इन भैन की शादी है अज। पर मैं सोचे सी कि मैं गड्डी रिपेयर करा ले सा, फिर मैं गड्डी रिपेयर करा के उस गड्डी जा सा। इतने आया तो माइकल मेरे नाल पुट्ठी कहानी पा छोड़ी है यार, इसने मेरे को गड्डी लै छोड़ी। काश मेरे को 70 होवे यार, यार मैं ना बेचा रो। तुसें कितने पता है वो मेरी शहजादी सी 70, बड़ा संभाल के रखी आ मैं। पर यार के करा, पैसे नहीं, मजबूरी सी, फिर मैं वेच छोड़ी वो 70। पर हूँ तो यार 70 छोड़ो, सैकल लैन के भी पैसे कोई नहीं रह गए यार। मैकुल नाल मैं गेम करनी पैसी, इस चंगा नहीं किया मेरे नाल गेम मैं खेडनी पैसी इस नाल। साकब तो मैकल है, इसने जवाब देना पैसी। यार एडा मेरा पुराना संगी है यार मैकल, तुम सारे सियाने हो ना। मैं मैकल तो फ्रैंकलिन दोए इकट्ठे होंगे सन, पर मेरी किस्मत बुरी यार, मेरी किस्मत बुरी। चलो खैर है, कोई नहीं, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहा। कभी अच्छे दिन मेरे भी आसर तो फिर मैं इन्हें कि दसा। बंदे को चार पैसे की आ जाने यार, अपनी औकात ही भुल जाने लोग। चलो खैर कोई नहीं, कोई नहीं, साडा भी दिन आसी, साढ़े भी दिन आसन, मसले वाली कोई वड्डी गल नहीं है। खैर यार इस सिचुएशन इच मैंने एक शायरी भी याद आनी है कि तैनू शौक सी मैनू रोलन दा, आ वेख तो सही मैं रुल गया। ते नाले बुले शाह फरमाते ने कि हर कोई यार नहीं होंदा, हर कोई यार नहीं होंदा, बुलिया कदी कलियां बह के सोचते सही। तुसी भी सोचने हो सो कि यार ड्राइवर ने शहरी ने शौक किधरों चढ़ गया। खैर यार मैं अपनी कहानी तुसा सारियां की फुर्सत ही दसा, ठीक है ना? अपने सारे दर्द मैं तुसा नाल शेयर कर सा। तू कि भी भौंकना पे वही यार, मैं गल कटी है तू मन। एक तो यार इन्हें लोगों की समझाना बड़ा औखा है, समझने नहीं यार अगले बंदे हैं बिल्कुल भी। भाई एक बंदा यार दूर शहरों आया है, उसकी तुसी इज्जत करो। हर बंदा इतने यार अपना अपना बदमाश है। बस यार मेरी यही सब तो वड्डी कमजोरी है कि मैं किसी की गल बर्दाश्त नहीं कर सकना। तो आज जिहड़ी मैकल मेरे नाल कीती है ना, कसमें उस नाल मैं बड़ी बुरी कर सा। तुसी बस वेखने जाओ मैं उस नाल करना क्या, मैं पूरा पूरा बदला लै सा उस नाल, नहीं छड़न लग्या यार मैं उसा। इतनी आसानी नाल मैं किसी की गल भुलना नहीं। हाँ के यारा जी, सबर सबर, रुक रुक रुक, मैं तेने दसा के आख्या सी तू। हैं तू कि समझदा, मन इंग्लिश नहीं आनी? सबर कर, तू सबर कर, कालिया दसना मैं तेने हुणी दसना। हट दस हुण की पौंकिया सी आ, दस। अगे मेरा मीटर शॉर्ट होया, वो तू तुसी आके यारा पुठियां गल्लां पे करने हो मेरे नाल। हैं अजीब इतने सारे साइंसदान बंदे यारा, पहली मेरा दिमाग घूमे है यार, मैं आना पे अपने मगन, उतू लोग आके तंग पे करने। निकला यार इधरों अपना सैंडी शोर जावा, उत्थी अपनी बदमाशी चलनी है यार। बस अज राती संगी नहीं, पैनू नहीं, शादी है ना, बस वो अटेंड कर सा ते फिर जा सा। इतने तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं पिया लगना लॉस सैंटोस ते। इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर नए लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ यार, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आपको मेरे कंटेंट से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं यार आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई लोग यार, सबसे पहले बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया कि जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, स्पेशली इस माइकल की रिच लाइफ सीरीज़ में आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए बड़ी बात है, ठीक है? बस ऐसे ही यार आगे भी प्यार दिखाते रहना, कम मत करना। और इसके अलावा यार एक छोटा सा गिला मुझे ज़रूर है कि आप लोग आजकल कमेंट में हाजिरी नहीं लगा रहे हो। तो जितने भी मेरे पुराने और नए व्यूवर्स हैं यार, वो कमेंट में हाजिरी लाजमी लगा दिया करो। ऐसे पता है कि यार हर एपिसोड में जब आप अटेंडेंस लगाओगे ना, तो जो आपका और मेरे दरमियान जो रिलेशन होगा ना, वो और क्लोज हो जाएगा। तो बस इसी तरह से यार मैं आप सबको अपने साथ कनेक्ट रखना चाहता हूँ। खैर यार, अभी आप सबको मेरी करंट सिचुएशन का तो पता ही होगा कि जैसे कि अभी यार 2 दिन पहले ही जिमी को कोरोना हुआ और अभी तक अस्पताल में है। इस पर अमांडा मेरे से कितनी सख्त नाराज़ हो गई है, जैसे कि मैंने उसको कोरोना लगवाया है। दूसरी तरफ यार वो कल ड्राइवर मनोज अपनी शक्ल लेके मेरे शोरूम में आ गया। अब कुछ लोग यार कमेंट में ये कह रहे हैं कि ड्राइवर पर तरस खाओ, उसको वो गाड़ी दे दो। बात ये नहीं थी कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी या पैसों की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने उसको गाड़ी नहीं दी है, गाड़ी उसके कब्ज़े में ले ली है। बात सिर्फ ये थी कि मैंने उसको सबक सिखाना था यार। अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होती तो मैं सैंडी शोर भागता हुआ उसके पीछे जाता और अपने 9 लाख उस गाड़ी के वापस लेता।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सेटल हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी मजबूर इंसान का हक मारने की या उससे पैसे छीनने की। लेकिन जहाँ बात आती है उस ड्राइवर की, उस बदमाश की, तो ये मुझे करना पड़ा था। तो इस पर यार आप सब लोग नाराज़ मत होना कि ड्राइवर के साथ मैंने कैसा किया। उसकी हिस्ट्री अभी आपको पता नहीं है, खुद ही पता चल जाएगी आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो अभी गाड़ी से मुझे याद आया, यार ज़रा साकिब से जाकर पूछते हैं उस गाड़ी का करना क्या है, वो गाड़ी ठीक भी हो सकती है कि नहीं। क्योंकि जो हशर किया था ना ट्रैवल ने उस गाड़ी का, अगर आपने वो पुराना एपिसोड देखा हो तो मैंने उसको बिल्कुल ब्रांड न्यू ये लियाना दी थी, सुजुकी लियाना। तब भी मैं यही कारोबार करता था, लेकिन तब यार इतना सक्सेसफुल नहीं था मैं। तो अभी यार इससे ज़रा पूछ लेता हूँ साकिब। हाँ जी माहौल भाई। साकिब यार इस गाड़ी का फिर क्या करना है यार, सेट हो जाएगी कि नहीं? कौन सी बागोली? सुजुकी लियाना? हाँ ये सुजुकी लियाना, क्या करेगा इसका? माहौल भी ठीक करूँगा ना, सेट करूँगा। चेक किया तूने इसको? अरे माहौल भाई चेक तो नहीं किया, लेकिन इतनी उम्मीद है मुझे कि मैं इसको ठीक कर दूँगा। आपको तो पता है माकल भाई, ये तो कुछ भी नहीं, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ मैंने रिपेयर की हैं। अच्छा तो फिर मतलब ये ठीक हो जाएगी गाड़ी? और माकल भी 100% ऐसी करके दूंगा, पता नहीं चलेगा इस गाड़ी को कुछ हुआ भी था। चल फिर ठीक कर दे, लेकिन यार तेरे अंदाजे में ये कितने तक की निकल जाएगी हमसे? माकल भाई ये तो बहुत हद हुई, तो 6.5-6 लाख मेरा ओपिनियन है, इससे ज़्यादा भी निकल सकती है, इससे कम भी निकल सकती है माकल भाई। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूँ। हाँ बोल। माकल भाई दरअसल बात ये है कि मैंने लेना घर। तेरे पास घर नहीं है यार? माको भाई घर है लेकिन अपना नहीं है ना माको भाई। यार सैंडी शोर में तेरा अपना है ना यार साकिब? माको भाई उधर फैमिली रहती है, मैं रोज़ सैंडी शोर तो नहीं जाता ना, यहाँ पे तो मैं किराए पे रहता हूँ ना माको भाई, आपको तो पता है। अच्छा तो फिर क्या चाहता, कह तू सीधी बात करना। माको भाई मैं ये चाहता हूँ कि वो जो मर्सिडीज मैंने जीती ना लकी ड्रॉ से, हाँ हाँ मैं चाहता हूँ वो मैं बेच दूँ। साकिब यार वो यार इतनी VIP गाड़ी है, और तुझे पता है कि वो यहाँ पर किसी के पास नहीं है। ओ माकुल भाई वो तो मुझे पता है, लेकिन पैसों की ज़रूरत है ना घर लेना ना माकुल भाई। और दूसरी बात मैं कल अर्शद भाई के पास भी गया था, उनसे भी वो पैसे ले आया था माकुल भाई। अच्छा तो फिर ठीक है यार, तेरी मर्ज़ी है, बेचना चाहता है तो फिर बेच दे। हो माकुल भाई और मैं यही आपको बताना चाहता था कि सुजुकी लियाना आप मुझे दे दें। तू रखेगा? हो माकुल भाई मैं रख लेता हूँ, इस पर जितना ऊपर का खर्चा आएगा ना वो मैं अपने सर पर डालूंगा। ठीक है माकुल भाई, इसको पूरा मैं टाइम दे के सेट करके अपने पास अपने इस्तेमाल के लिए रख लूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास आपको तो पता ना बाइक है, ठीक है एक मर्सिडीज़ है, वो यहाँ से मैं अपने घर लेके जाऊँ तो कम से कम कोई 1500 से 2000 का पेट्रोल तो ऐसे ही निकल जाता। हाँ यार ये बात तो है वैसे। चल ठीक है तू रख ले यार, वैसे भी इसका मुझे क्या मिलना है, 5 लाख 6 लाख, इससे अच्छा कि तू ही रख ले यार। और थैंक यू माको भाई, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक काम और भी कर यार साकिब। और माको भाई हुक्म करें हुक्म। यार वो जो मेरी अपनी क्या नाम है लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है ना, और साथ जो क्रोला खड़ी है, ये भी दोनों निकाल यार। क्यों मोलो माकुल भाई? मतलब इनको भी बेच दे यार, वही कस्टमर आता है ना, इनको भी सेल आउट कर। क्यों माकुल भाई? यार मैं नई गाड़ी लूँगा, जब जिमी आएगा ना मैं गाड़ी दूसरी रखूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे 3-3 गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है यार, वो अपनी सिविक है ना उस पर मैं काम चला लूँगा। अच्छा माकुल भाई चलो फिर ठीक है बेच देते हैं। हाँ यार कोई अच्छा सा कस्टमर मिलता है इनको भी निकाल, और दूसरी बात इन तीनों को जो है ना अपनी गाड़ी को भी बाहर डिस्प्ले में लगा दे, ताकि पहली नज़र कस्टमर की नहीं पे पड़े और यही पहले निकलें गाड़ियाँ। चलो माकुल भाई ऐसा कर देता हूँ, कहाँ पे बाहर? हाँ यार जहाँ पर जिधर बाइक्स नहीं रखी हुई, क्योंकि अभी बाइक्स तो है नहीं, तो अभी फ़िलहाल ये तीनों गाड़ियाँ वहाँ पे डिस्प्ले पर लगा दे। बस मैं ये चाहता हूँ कि यार सबसे पहले यही 3 गाड़ियाँ निकलें। चलो माकुल भाई मैं सेट कर देता हूँ, मैं अभी सेट कर देता हूँ। हाँ यार साकिब पहले ये काम कर दे। ओके माकुल भाई चल ठीक है यार मैं जाऊँ। ओके तो यार ये तीनों गाड़ियाँ निकलेंगी ना, फिर मेरे पास एक सिविक रह जाएगी। सही है, सिविक तो खैर मैं नहीं बेच सकता यार, आपको तो पता है वो कितने प्यार से जिमी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो वो गाड़ी तो खैर मैं कभी भी नहीं बेचूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर वो तीनों गाड़ियाँ साकिब डिस्प्ले में लगा दे, और अपनी गाड़ी भी बेच दे, और यार मेरी भी दोनों गाड़ियाँ बेच दे। बाकी यार बाइक्स जो हैं, बाइक्स मैं इस वजह से नहीं मंगवा रहा अभी तक, क्योंकि यार हैवी बाइक्स पर ना मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला कस्टमर्स का। जो मैंने यहाँ पर हायाबूसा रखी थी, कावासाकी निंजा रखी थी, और अपना हार्ले डेविडसन रखी थी, बड़ी मुश्किलों से यार वो तीनों मैंने बाइक्स निकाली हैं। तो अभी हैवी बाइक्स तो खैर अभी फ़िलहाल नहीं मंगाऊंगा, कस्टमर की डिमांड पर ही ऑर्डर करूंगा। इसके अलावा यार छोटी बाइक्स मंगवा लूंगा यार, अपनी 70 या 125 देखूंगा, अगर उसमें मुझे बचत हुई तो फिर वही रख लूँगा। फ़िलहाल यार अपनी ये तीनों गाड़ियाँ निकलें, उसके बाद कुछ सोचते हैं यार कौन सी शिपमेंट मंगवानी और कौन सी नहीं। बाकी यार जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं सब्सक्राइब तो कर दो यार, अपना अभी 20K का टारगेट चल रहा है यार, जल्दी से 20K करा दो, फिर दूसरा Q&A भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है बस अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और यार हाँ यार सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बतानी भूल गया, आज यार उषी भाई की सिस्टर की शादी है, और उन्होंने मुझे यार इस पर स्पेशली इनवाइट किया था यार, 3 दिन से बोल रहे हैं मुझे। तो आज यार उनकी सिस्टर की जो है रिसेप्शन है, तो आज शाम को वहाँ पर भी जाना है यार, 9 बजे उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। तो भूल गया यार साकिब को भी बताना, मैं भूल ही गया, पहले जाता हूँ यार साकिब को भी बता देता हूँ। अभी उनकी सिस्टर के लिए यार मैं क्या गिफ्ट लेके जाऊँ, थोड़े बहुत पैसे दे दूँगा,
क्योंकि पहले ही मैंने उनकी सिस्टर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट कर दिया था, वो जो फरारी थी। उनकी पेमेंट तो दी थी उशी भाई ने, लेकिन जो ऊपर की मॉडिफिकेशन थी अच्छा खासा उस पर खर्चा आया था, वो मैंने सारा अपने सर पे डाल दिया। और उनको बोल दिया था कि यार ये मेरी तरफ से आपकी बेटी के लिए, सॉरी आपकी सिस्टर के लिए गिफ्ट है। हाँ साकिब यार बात सुन। रू मौकबी मैं तुझे बताना भूल गया था यार, साकिब आज जाना है यार। कौ मौकबी? यार वो अपना उशी भाई नहीं है यार, उनकी सिस्टर की वेडिंग है। ओहो अच्छा अच्छा हाँ याद आ गया। हाँ तो बस तू यार रेडी रही शाम को 9 बजे, मैं तुझे पिक करूँगा। ओहो के मौको भाई मैं रेडी रहूँगा। हाँ यार वो कपड़े वगैरह फिर से पहन ली, सही है ना? है ना तेरे पास? अब ये ना बोली कपड़े भी नहीं है मेरे पास। मौको भाई हाँ हाँ एक जोड़ा है पहन लूँगा, वो मसला नहीं है। हाँ चल फिर ठीक है, टाइम से रेडी रही। ओके मौको भाई। चलो यार अब शाम को 9 बजे निकलेंगे। ओके तो यार ये गाड़ी बाद में रिपेयर कर लूँगा, पहले तो यार वो मौको भाई जो बोल रहे थे गाड़ियों पर डिस्प्ले पे लगानी है, पहले वो लगा देता हूँ। पहले अपनी मर्सिडीज़ लगा देते हैं यार। लेकिन यार कसम से अंदर से मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं मार रहा यार इतनी VIP गाड़ी बेचने के लिए। मौके पर भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे इसको मत बेचो, बड़ी यूनिक गाड़ी है। चलो यार अभी क्या हो सकता है, बेचनी तो पड़ेगी। खैर यार यहाँ पर डिस्प्ले कैसे लगाऊंगा, ये आगे तो ये पड़ा हुआ है ब्लॉक सा। अच्छा तो फिर ये ब्लॉक पहले मुझे हटाना पड़ेगा। चलो हटा देंगे, पहले गाड़ी को ज़रा साइड पर लगाता हूँ ना, फिर देखता हूँ उसको क्या कर। कोई मसला नहीं है यार, गाड़ी दोबारा ले लूँगा, देखा जाएगा यार। अपना घर होगा ना, गाड़ियाँ बाद में आती रहेंगी, पैसा जमा करूँगा ना, कमेटियाँ डाल दूँगा भाई, क्या मसला है? मसला ही कोई नहीं है। अच्छा तो यार पहले ये ब्लॉक हटा के गाड़ियाँ सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके तो अब ठीक है यार, मैंने अपनी गाड़ी दरमियान में रखी है ताकि कस्टमर आए ना पहला इंप्रेशन मेरी गाड़ी का ही पड़े। उसका रेट तो मुझे यकीन है यार सही मिल जाएगा, मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं अपना घर आराम से बना सकूंगा। चलो खैर अभी यार सुजुकी ले आना, माकुल भाई ने दे दिया यार, ये भी मेरे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है आज के दिन। तो पहले तो यार इसको मैं रिपेयर कर लूँ, सुजुकी ले आना को आज का दिन इसे भी लगाना पड़ेगा। रिपेयरिंग इसको स्टार्ट करते हैं यार, कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे इसको। बिस्मिल्ला पहले इसी भी करते हैं, फिर शाम को यार उसी भाई की सिस्टर की वेडिंग पर भी जाना। काश जिम ही होता यार मेरे साथ, मज़ा आता कसम से शादी पर जाने का भी। चलो यार उम्मीद करता हूँ जल्द अज़ जल्द वो ठीक हो के वापस आ जाए, बस ऐसे मौक़ों पर यार जिमी की बड़ी याद आती है कसम से। ओ अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं। चलो यार अभी चलते हैं सीधा शादी पर, पहले थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। अभी कॉल आ रही है, किसकी है ये? उशी भाई की कॉल, ज़रूर वो यही पूछ रहे होंगे अभी तक आया नहीं है। जी उशी भाई। यार माइकल भाई आपको और कितनी देर है? उशी भाई बस मुझे 15 मिनट दें, हम आ रहे हैं। आप मुझे काइंडली एड्रेस भेज दें अपने घर का। माइकल भाई वो जो रिच मैन होटल नहीं है उसकी बिल्कुल पिछली जो गली है ना वहां पर मेरा घर है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो होटल मुझे मालूम है। ठीक है उशी भाई बस 15 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। ओके यार माइकल भाई। चलो यार अभी चलते हैं, साकिब को भी अभी पिकअप करना है। अभी फ़िलहाल यार मेरे पास यही होंडा सीवी की बाकी रह गई है, तो मैंने यार फाइनली अपना फ़ैसला कर ही लिया कि मैं लैंड क्रूज़र और अपनी जो पुरानी वो टोयोटा क्रोला थी 2020 वाला मॉडल वो मैं सेल कर दूंगा। साकिब ने पहली डिस्प्ले लगा दिया उसको, बस यार उम्मीद है कि वो इसी हफ्ते निकल जाएँ वो दोनों गाड़ियाँ। तब तक यार होपफुली जिमी भी आ ही जाएगा इंशाल्लाह, तो जब जिमी आएगा तो फिर यार नई गाड़ी लेते हैं। लैम्बोर्गिनी उरुस या फिर मर्सिडीज़ जी वैगन, इन दोनों में से कोई एक गाड़ी ही सिलेक्ट करूँगा मैं। खैर यार इसकी पोलिंग भी मैं आपसे करा ही दूंगा, जिसके ज़्यादा वोट आए तो मैं वही गाड़ी परचेज़ करूंगा। अब जहरी बात है यार आपकी चॉइस तो लाजमी होती है ना बीच में, तो वोटिंग मैं करा लूँगा, जिसके ज़्यादा वोट आए मैं वो गाड़ी फिर परचेज़ कर लूँगा। बस यार अभी सिर्फ जिमी का ही इंतज़ार है, लेकिन एक मैं बात सोच रहा हूँ कि जिमी के आने से पहले पहले ना मैं घर ले लूँ। घर की बात करता हूँ अरशद भाई से यार, वो वैसे प्रॉपर्टी का भी बिज़नेस करते हैं। चलो यार जा ही रहे हैं ना शादी पे, क्या पता अरशद भाई भी उधर ही हो, तो बात कर लूँगा उनसे। अभी जाके सीधा पहले साकिब को तो पिकअप करूँ ना।
ओहो, पीछे वाली गली थी। हाँ इधर। मैसेज तो मैंने उसको किया था, अभी आता ही होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा वो। चलो यार, 5 मिनट उसका भी इंतज़ार कर ही लेते हैं। वो आ रहा है भागता हुआ। ड्रेसिंग आजकल बड़ी फिट कर रहे हैं साकिब। ओ सलाम अलैकुम वाकु भाई। वालेकुम सलाम साकिब। चलें फिर। हाँ चलो वाकु भाई। तो फिर साकिब उशी भाई की सिस्टर को तो क्या देगा? वाकु भाई मैं तो उनको दुआएं दे सकता हूँ, आपको तो पता। वैसे साकिब तू दुआओं के अलावा भी कुछ दे दिया कर यार। वाकु भाई अब उनको मैं क्या दूँ, पैसे दे दूँगा। हाँ तो ये तो मैं कह रहा हूँ, पैसे दे दे या कोई गिफ्ट दे दे, देख दूँ ना वाकु भाई। अच्छा तो यार सबसे पहले मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ ताकि गाड़ी आगे जाके तंग ना करे हमें। वो मौका पर पेट्रोल डलवा लो। मौका भाई आपको उनका घर पता है? उसी भाई का घर उन्होंने मुझे समझा दिया यार, वो रिचमैन होटल की पिछली वाली गली है। ओहो अच्छा अच्छा हाँ यार अभी जाते हैं तो बस देखते हैं। वैसे तो कितने पैसे देने वाले हैं उनको? मौका भाई 500 ठीक रहेंगे। 500 यार साकी खुदा का खौफ कर। अरे यार साला कैसा जाहिल इंसान है यार। मौको भाई छोड़ो छोड़ो, सुबह मैं रिपेयर कर दूंगा इस गाड़ी को, भी जाने दो यार। अभी हम शादी पे जा रहे हैं वरना मैं इसके पीछे गाड़ी भगाता। उशी भाई भी बुला रहे हैं, लेट हो रहा हूँ मैं। मौको भाई टेंशन ना ले, सुबह गाड़ी लाएंगे ना शोरूम में, मैं सेट कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा। हाँ यार साकिब जरा इस गाड़ी को देख ली तू, अब पता नहीं आगे से कितनी स्क्रैच आई होगी। चलो मौको भाई गुस्सा ना करो, हो जाएगा सेट हो जाएगा। अच्छा तो तू सिर्फ 500 देगा यार, तेरा दिमाग ख़राब है? कम से कम यार 2000-3000 तो दे। उशी भाई अपने यार इतने पुराने कस्टमर हैं भाई। मौको भाई 3000? अरे चलो 1000 दे दूंगा। हद है यार साकिब, 2000 का तूने वहाँ पे खाना खा लेना है। और मौको भाई चलो 2000 दे देते हैं। हाँ वेरी गुड। और मौको भाई आप कितने देंगे? यार मैंने सोचा 5000 इन्वेलपमेंट दे दूँ, और वैसे तो गिफ्ट मैं दे ही चुका हूँ यार। कौन सा गिफ्ट? अबे यार मॉडिफाई करके दी थी ना तूने गाड़ी उन्हीं की सिस्टर को, वही फरारी। ओह अच्छा वो ट्रेसी वाली? हाँ यार वही गाड़ी। तो वो मॉडिफिकेशन के खर्चे के पैसे तो मैंने नहीं ना लिए उनसे। ओह हाँ फिर ठीक है मौको भाई। हाँ यार अभी घर उनका रिचमैन होटल आगे इसी रोड पे ही है, देख लेते हैं। होटल तो यार ये आ ही गए हैं, पिछली गली इसकी कौन सी थी? मौको भाई वो पीछे गली आपने छोड़ दी है ना, उस गली से टर्न करना था आपको। पीछे गली थी ना? ओहो मौको भाई उस तरफ टर्न करें ना। हाँ हाँ ठीक है याद आ गया, उसी तरफ मोड़ते हैं गाड़ी। भी मौको भाई ले जाए ले जाए। ये वाली गली ना? वाह मौको भाई इधर ही लेफ्ट साइड पर हो जाए। हाँ यार ये आगे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, मेहमान आए हुए हैं काफ़ी यार, हम लेट हो गए हैं बहुत। 9 बजे का बोला था उशी भाई ने, 10 बज गए हैं यार। चलो कोई बात नहीं मौको भाई, खा रहा ये भाई यार गेट एक तो ऑटोमेटिक नहीं है, खुल जाएगा मौको भाई। जाने दो। अबे यार आगे तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, कहाँ पे पार्क करूँगा मैं अपनी गाड़ी, बाहर ही खड़ी कर दूँ? उन्होंने मौको भाई बाहर ना खड़ी करें, आगे ले जाएँ। इधर उधर शॉर्ट भी लगा दें बस। चल इधर ही लगा देता हूँ। हाँ मौको भाई इधर ही लगा दो बस साइड पे पार्किंग पे, यहाँ पे सेफ रहेगी ना घर के अंदर। हाँ ये बात भी है। चल ठीक है आ जा साकिब। चलो मौको भाई। वो यार इतना बड़ा घर है इनका मौको भाई, अच्छी खासी अमीर पार्टी है भाई उशी भाई की। क्या बात है मौको भाई, किस तरफ होंगे यार उशी भाई? आ जरा इधर, यहाँ पर तो नहीं लग रहे हैं यार, यहाँ पे मेहमान ही बैठे हुए हैं। भाईजान ये उशी भाई किस तरफ होंगे? उधर आगे चले जाएं, आगे उस तरफ होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आ साकिब उस तरफ आ। अच्छा तो ये गाड़ी है यार साकिब, जो उनको मॉडिफाई करा के दी थी, देख यहाँ सामने ही रखी हुई है उन्होंने। मौको भाई वैसे ऑर्गेनाइज बड़ा फिट किया उन्होंने। हाँ ऑर्गेनाइज तो अच्छा किया है वैसे। अस्सलाम वालेकुम उशी भाई, क्या हाल है? अरे यार माइकल भाई आप आ गए हो, आपका इंतज़ार कर रहा था मैं, कितनी देर लगा दी आपने, देखे सब मेहमान आ गए हैं, कैसे हैं आप?
मैं जबरदस्त सुशी भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जबरदस्त माइकल भाई। अरे यार माइकल आओ यार, कैसे हो तुम? अर्शद भाई आप भी आए हुए हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? और साकिब तुम ठीक हो? बहुत बढ़िया अर्शद भाई, आप ठीक रहो? हाँ यार साकिब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यार माइकल तू इधर आ गए हैं? ट्रेवर, ट्रेवर भी इधर आया हुआ है? अबे ट्रेवर को किसने बुला लिया? यार साकिब ते माइकल, उशी मेरा संगी है। उशी भाई ये सच कह रहे हैं, ये आपका दोस्त है? जी माइकल भाई ये मेरा दोस्त है ट्रेवर, काफ़ी पुराना दोस्त है। उशी भाई आपने मुझे पहले बताया नहीं। क्यों माइकल भाई ये आपका भी दोस्त है क्या? हाँ इससे तो मेरी काफ़ी पुरानी जान पहचान है, ये तो एक नंबर का बदमाश है उशी भाई। जरा माइकल देख इतने बकवास ना करी अला, अभी और ड्राइवर हो इसको सुना रहा है। माइकल देख चंगा ना उसी अला, क्या चंगा नहीं होगा बे, क्या चंगा नहीं होगा, हर जगह तुझे बदमाशी अपनी सूझी हुई होती है। बेख हर जगह मैं तेरी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सही हला ना, मेरा हाथ उठ वैसी आ, तेरी इतनी हिम्मत है मेरे पे हाथ उठाने की? उठा हाथ, उठा हिम्मत है तो हाथ उठा यहाँ पर। और मौको भी चुप कर जो मौको भी। साकब माइकल ना समझा, माइकल ना समझा। अरे यार माइकल छोड़ो यार। अरे माइकल भाई आप कौन सी बहस में पड़ गए हैं, प्लीज़ यहाँ पर शादी का समय है, थोड़ी बहुत मेरी इज्जत रखें। उशी भाई बस आपकी इज्जत के पीछे मैं इससे ज़्यादा भी बहस नहीं कर रहा। यरा उशी ऐसा चुप करा ला, यरा पुटी गल कर सियाँ तो फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं हो सी, एवं थी हंगामा ना हो जुले। यार ड्राइवर तू भी ज़रा चुप कर यार, थोड़ा लिहाज कर यार, माइकल भाई की काफ़ी मैं इज्जत करता हूँ, मेरे काफ़ी पुराने जान पहचान है इनके साथ, इनका बहुत पुराना मैं कस्टमर हूँ यार। तो फिर इसे समझा के रख माइकल। ड्राइवर यार बकवास अपनी बंद कर और चुप कर जा अभी, बस तेरे से मैं बाद में निपट लूँगा। और वेख लैसा यरा तू जो पटना है पट लेंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा उशी भाई कि ड्राइवर आपका दोस्त है। यार माइकल भाई अभी छोड़े इन बातों को। सॉरी उशी भाई मैंने थोड़ा गुस्सा कर लिया। माइकल जाओ यार जरा दूल्हे से मिलो और तस्वीरें वगैरह खिंचवाओ यार। हाँ अर्शद भाई मैं चलता हूँ अभी। आप दोनों को आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। अरे साकिब तुम भी जाओ यार तस्वीरें वगैरह खिंचवाओ, क्या यहाँ पे खड़े हुए हो, तुम भी जाओ उनके साथ दूल्हे दुल्हन के साथ बैठो। और मुझे क्या जरूरत है अर्शद भाई तस्वीरें खिंचवाने की, बस ठीक है। अरे जाओ यार सलामी भी दो उनको, थोड़े पैसे दो यार, क्या हो गया? ओह अच्छा अच्छा ठीक है जाता हूँ। सारे पे तस्वीरा पे छिकाने मैं भी जावा यरा, मैं थे के पे करना, मैं भी जरा अपनी तस्वीर खिंचावा। साकब जरा ना लो यरा बहवा मैं थे, बैठ जाना यार ड्राइवर अच्छी खासी जगह, थोड़ा सा ना लो जाना यरा साकब। चल यरा मेरी बहुत होगी, मैं हूं जुला यार। उशी भाई बोंग बोंग मुबारक हो तुसा की शादी नहीं, ते मैं हूँ जुलना माँ, इजाज़त दियो। अच्छा यार ड्राइवर थोड़ी देर और बैठ जा, खाना शाना खा के जा। मैं लाजमी खावा, लेकिन मैं जाना सैंडी शोर है। यार ड्राइवर तू बैठ जा थोड़ी देर, गप शप मारते हैं, खाना शाना खाते हैं फिर चला जाएं। अर्शद यरा कसम यरा बहुत दूर बहना है, वरना मैं बह जुला। सैंडी शोर नेड़े ते नहीं है ना, तुसा की ते पता है। अच्छा चल ठीक है, चल ठीक है यार ड्राइवर, फिर मिलते हैं तेरे से। चल यार उशी ओके। हला तो माइकल इसका संगी है उशी का, तो अर्शद का, फिर तो मेरा काम और आसान हो गया। अज इस इतने भी आके मेरी इज्जत नहीं रखी ना, बदमाशी की है ना मेरे नाल। खैर मैं सारिया गल् इसकी भी नोट पिया करना, एक एक का हिसाब लैसा, एक एक का छोड़ सा तो मैं कुछ भी ना। अच्छा तो यह गड्डी है माइकल की, वाह यार गड्डी तो बड़ी वी आई पी रखी, एडी महंगी गड्डी अपने को रखी ही सै, एडा वा शोरूम, कार भी सही वी आई पी हो सी, तो मेरे को सुजुकी लियाना नहीं इस छड़ी असाब, तो मैं इसका मैं लैसा लाजमी लैसा, हूँ तो मेरा खून पिया खोलना है। माइकल मेरे नाल चंगी नहीं पिया करना, कसमें बहुत मंदी पिया करना है मेरे नाल, तो अज तो इस हद ही पार कर छोड़िए। सारिया के सामने मेरे पुराने संगी उशी ते अर्शद, उन्होंने भी सामने मन बदमाश आखियास, जरा बंदे की इज्जत होनी है यरा कोई थोड़ी बहुत, इसते किसी चीज़ का भी ख्याल ही नहीं किया। खैर यरा इस अज सारिया हदा पार कर छोड़िया, तो मन हूँ तुम सारे बाद गिला ना करो कि मैं माइकल नाल बहु मंदी की है, ठीक है? क्योंकि मैं हूँ उस नाल बड़ी बुरी कर सा, मैं हूँ अपना बदला लेना है तो लेना है। खैर जरा हूँ टैक्सी कराने, टैक्सी ती जाना पैसी, टैक्सी का नंबर नंबर किधर है अला।
हाँ वो लांतिया मुका यार इत्या मैं खलते ही मुका जल्दी कर बड़ी दूर जाना है यार जल्दी आ। बाबा जी हुण तुसी सारे मैकल दे हक च ना बोल सो ठीक है ना, हुण उस मैकल दी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है मैकल दी ते साकब दी। बस कोई भी हुण उन्हां दोयां नी सैड ना लैवे हला मैं पहले पै दसना नहीं हुणी यार जावां टैक्सी आ गई है यारा। चलो जान दे यारा सीधा बारो बार जान दे सैंडी शोर मामा जान दे और टोर ना यारा गड्डी मुका यार। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.